किरण एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब खबरें विस्तार से। ट्रिपल मर्डर से दहली दिल्ली, पति पत्नी और बेटी की चाकू से लोटकर हत्या की गई। राजनीति दिल्ली में क्राइम का ग्राफ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। रात क्या दिन के उजाले में भी बदमाश चोरी लूट और हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम बड़े ही आसानी से दे रहे हैं। ताजा मामले में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक हत्या हुई। बस किराया रुद्धि के खिलाफ श्रीराम सेना का आंदोलन। डीजल दर रुद्धि और घाटे में चल रही मनपा परिवहन सेवा से उबारने के लिए मनपा प्रशासन ने बस किराया रुद्धि करने का निर्णय लिया। शहर के आम नागरिकों को रक्तवाहिनी के दर में रुद्धि नाराज। श्रीराम सेना ने आज मनपा मुख्यालय में जमकर आंदोलन किया। कांग्रेस ने निगम के अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाया है कि कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से संपत्तियों को सील किया जा रहा है और फिर उसे डी सील करने के नाम पर निगम के अधिकारी रुपयों की उगाही कर रही है। तो दर्शकों, खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।